राज्यसभा में मोदी सरकार को मिली सबसे बड़ी सफलता। वोटिंग के बाद पुनर्गठन विधेयक पास, पक्ष में पड़े 125 वोट। अनुच्छेद 370 के खत्म होते ही कश्मीर में अलग झंडा और दोहरी नागरिकता खत्म। बाहरी राज्य के लोग भी खरीद सकेंगे जमीन। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का ऐलान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। धारा 370 हटने के बाद देश भर में जश्न का माहौल। फोड़े गए फटाके, बांटी गई मिठाइयां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को राज्यसभा से पास कर दिया गया है। पहले वोटिंग मशीन के जरिए की जानी थी, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण पर्चियों के जरिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी हुई। इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 61 वोट डाले गए। बता दें कि इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सोमवार को जवाब दिया है। उन्होंने एक तरफ अलगाववादियों पर जमकर हमला बोला, तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, आतंकियों, आईएसआई और घुसपैठियों ने घाटी के युवाओं को गुमराह कर रखा है। जो लोग घाटी के युवाओं को भड़काते हैं, उनके बेटे बेटियां लंदन में पढ़ते हैं। गृहमंत्री ने कहा, हम घाटी के युवाओं को गले लगाना चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार देना चाहते हैं। इसके बाद शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, नेहरू ने कहा था कि अनुच्छेद 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, लेकिन 70 साल तक इसे इतना संभाल कर रखा गया कि घिसा नहीं। हर कोई जानता है कि यह अस्थायी प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा, कुछ सदस्य कह रहे हैं कि सरदार पटेल कश्मीर पाकिस्तान को दोनों चाहते थे। ऐसी बातों को संसद के रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए। सरदार पटेल ने 650 से ज्यादा रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का निर्माण किया था। कुछ सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को अपने रिकॉर्ड पर से दूर कर, इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को छोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू ने, और विद 370 है, और आज हम भी कर रहे हैं। नहीं, सरदार पटेल के पास ये मसला था ही नहीं। कश्मीर से धारा 370 हटाने और 35 ए निरस्त किए जाने की घोषणा के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भोपाल, अमृतसर, वाराणसी और कोलकाता समेत पूरे हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है। किस तरह से लोग आपस में मिठाइयां खिला रहे हैं और ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे हैं। कहीं पीएम मोदी के फोटो को लड्डू खिलाया जा रहा है, तो कहीं अमित शाह को। इसके अलावा
मालवा निमाड़ में लोग ढोल की थाप पर झूमे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। मोदी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी नेता समेत जनता खुश नजर आ रही है। मोदी सरकार के इस फैसले का चारों तरफ स्वागत हो रहा है। उज्जैन में भी नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने देश भर से आए भक्तों ने इस फैसले की सराहना की है। कई लोगों ने तो ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। धारा 370 हटने के फैसले के बाद हरियाणा में करनाल के लोग भी फूले नहीं समा रहे हैं। करनाल के घंटाघर चौक पर आज बीजेपी नेताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी ने जमकर नरेंद्र मोदी और भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। और सभी भारतवासियों को मैं अपने दिल से तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि अब हम लोग भी कश्मीर में जाके कुछ भी कार्य कुछ भी वो कर सकते हैं। अब हमें फुल आज़ादी होगी कश्मीर में भी, नहीं तो इधर से लोगों को कोई आज़ादी या कोई वो नहीं मिल पाता था। पूरा वहाँ पर डरते थे लोग जाते हुए, अब वो डर लोगों का खत्म हो जाएगा और श्यामा मुखर्जी का जो सपना था वो आज माहौल है। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता 370 हटाए जाने पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। वहीं भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। तो दो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक मुंबई और दूसरा भोपाल, जहां पे क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या आम आदमी, बूढ़े बुजुर्ग, तमाम लोग धारा 370 हटने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, भोपाल में अगर आप गौर करें, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इन सबको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है उनके फोटो के, और उनको विसर्जित करके लोग खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो वहीं पे मुंबई में आप देखेंगे जो तमाम युवा हैं जश्न मना रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान इसका स्वागत कर रहा है। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।